इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स इडम्पोटेंट मैट्रिक्स के बाद निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए टू द पावर एन, यानी ए मैट्रिक्स है उसको हम एन टाइम मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने पे उसी मैट्रिक्स का बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बार बार मल्टीप्लाई करने पे एक मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा आ जाए कि वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जीरो हों, तो उस कंडीशन में वो मैट्रिक्स हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए टू द पावर एन इक्वल टू जीरो वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इफ एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच ए एन इक्वल टू जीरो देन एन इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स क्या होता है फ्रेंड्स? हम ए मैट्रिक्स है उसको हम एन टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो जीरो हो गया, जब वो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स में चेंज हो जाए वो एन जो छोटे से छोटा एन जो होगा वो नंबर होगा इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स।